गोविंदा की फिल्म हीरो नंबर वन में एक सीन है जहां गोविंदा कहते हैं, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना मीना, कभी बना कुत्ता कभी बना कमीना। अब यहां कुत्ता और कमीना जैसी कोई बात तो नहीं, लेकिन हाँ एक तस्वीर है जहां एक करोड़पति बाप के बेटे को लड़कियों, महंगे पब और रेस्टोरों में अय्याशी का शौक ऐसा लगा कि वो बन गया चोर। जी हाँ, आशिक बना चोर। मामला है जयपुर के सोडाला थाना का, जहां दो ऐसे रईसजादों को पुलिस ने दबोचा जो गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट देने के लिए आए दिन स्कूटी चुराते थे। इसके अलावा आरोपी चोरी की स्कूटी को अलग अलग लड़कियों को गिफ्ट देने के बाद इन्हें बेचकर महंगे पब और रेस्टोरों में अय्याशी करते थे। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपियों का कहना है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च के लिए स्कूटी चोरी किया करते थे और फिर अलग अलग लड़कियों को गिफ्ट कर देते थे। अलग अलग लड़कियों को गिफ्ट देने के बाद महंगे पब और रेस्टोरों में अय्याशी किया करते थे। जयपुर का आतिश मार्केट राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक सामान का हब माना जाता है। यहाँ के बिजनेसमैन हर दिन लाखों का सामान बेचते हैं और यहाँ के शोरूम मालिकों की गिनती जयपुर के रईसों में होती है। गिरफ्तार हुए एक युवक कुणाल सिंह उर्फ नोनी, जिसकी उम्र 19 साल है, उसके पिता का आतिश मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है। पकड़े गए दूसरे युवक अंशुमान सिंह की उम्र भी 19 साल की ही है और इसके पिता का फाइनेंस का बिजनेस है। पुलिस ने बताया कि किस तरह उन्हें चोरी की इस पूरी कड़ी का सुराग लगा। दरअसल कुछ दिन पहले ही झोटवाड़ा में पुलिस ने लड़की को पकड़ा जो चोरी की स्कूटी चला रही थी। पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ। नाबालिग लड़की ने बताया कि उसे स्कूटी कुणाल ने गिफ्ट में दी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुणाल को गिरफ्तार किया, जबकि शिवम की गिरफ्तारी बाद में हुई। दोनों को रामनगर में उनके घर से पकड़ा गया। फिलहाल दोनों आरोपियों के पास से पुलिस को 10 स्कूटी बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस अब उन लड़कियों से भी पूछताछ कर सकती है जो इनके संपर्क में थीं।